गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। और टाइम हो रहा है 1:15, और आज ब्लॉग जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह से बहुत सारे काम थे और फटाफट सारे काम ऐसे किए हैं। तो आज सुबह उठ के जैसे फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया, थोड़ी सी लेट भी उठी थी मैं। उसके बाद अपने भी और काम थे, कपड़े नहीं सूख के दे रहे हैं बाहर, मौसम आज थोड़ा सा सही है तो बाहर कपड़े सुखाए हैं। और उसके बाद गुल्लू को नहलाना था, बाकी घर के काम करने थे। इधर ये सारा फैला हुआ था, सारा समेटा मैंने। और ये रही हमारी गुल्लू मैडम, जो कल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मम्मा को। आई थिंक इसको ना थोड़ी सी स्टमक में गैस बन रही है, पता नहीं क्यों बार बार गैस बन रही है, तो इसीलिए ये ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। बस इसको अब आजकल क्या इसने अपनाया है कि भाई मुझे गोदी ले लो। अब भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं गुल्लू को गोदी लूँ। बस अभी जो है सारा घर समेट के, सारे काम करके अब मैं जा रही हूँ अपने घर। ये देखिए सारा इधर समेटा हुआ है। और बस अब मैं जा रही हूँ फिलहाल अपने घर, क्योंकि आज बहुत सारे काम पेंडिंग है, वो सारे करते हैं। तो बस एक आ गया था फ़ोन, और फिलहाल जा रही हूँ घर पे। चाची के सुबह से 4 फ़ोन आ चुके हैं कि भाई शादी वाला घर है और तुम कहाँ हो। मैं फ़िलहाल कभी घर पे हूँ, अभी शादी नहीं है, बट स्टिल अभी हमें बहुत सारे काम पेंडिंग, मतलब जितने भी होते हैं वो करने पड़ते हैं, तो इसीलिए है तो शादी वाला ही घर। तो चलते हैं घर और आपको मिलवाती हूँ चाची से। 2 दिन बाद जा रही हूँ, 3 दिन बाद, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मैं घर नहीं गई हूँ, तो गालियाँ भी पड़ेंगी क्योंकि मैं नहीं जाती तो कोई काम नहीं होता। लाइटिंग का काम करना है, साड़ियों का काम करना है, और आपको फ्यूचर में इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे, बस आप भी कहोगे यार मज़ा आ गया। तो आप हमारे साथ रहिए और हमारे शादी के ब्लॉग्स एंजॉय करिए। मैंने पहनी है अपनी ये जीन्स ब्लू, और ये है मेरी वाइट जैकेट जो मैं चुनमुन से लेके आई थी, और ये भी मैं चुनमुन से लेके आई थी, दोनों मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है। और अब चलते हैं घर पे सीधा। गुल्लू की अभी कॉम नहीं किया, इसको पता नहीं क्या, राधे राधे कर दो, छोड़ दो इसको, गंदी चीज़ें होती है। चलो राधे राधे कर दो, सबको अच्छा लगता है आप राधे राधे करते हो, तो आओ गुल्लू। बस अब इसको कुछ नहीं है, फिलहाल चलते हैं घर पे। 3 दिन बाद आई हूँ मैं मम्मी के घर, और वेलकम गुल्लू का हो रहा है। वाओ, उस हाथ में ओ पता है उसको, क्या बात है, ये कैसे लेगी, यहाँ पे बैठ के ले ले, कैसे लेगी, नहीं लेगी। मुल्ला मुल्ला जो नानू बुला रहे हैं, नानू घर पे छुट्टी पे, नानू आज आई है गुल्ला आई है। मम्मी वो बताओ गुल्ला ने वो पाद मारा, पू पू पू, कौन सा था वो, खुश दे एक दोनों चॉकलेट लगे गुल्लू, बता दे नानू को, बोल नानू मैं जब भी आती थी ना मुझे सुनाते थे कि तू फिर आ गई, तू इतनी नाराज हो गई 3-4 दिन नहीं आई, और क्या तुमने इनको सीरियस लेते थे तेरे को, तू रोज आ जाती है, मैं और तू सीरियस लेगी हमारी बात, गुल्ला 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 भागी भागी भा भा गुल्ला 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 भागी भागी। A4 जल्दी बताइए, तुम्हें A4 भी नहीं पता, सारे इस बच्चे से पूछोगे तुम, तुमने क्या करा स्कूल में जाके, इतने बड़े बड़े हो गए, हमने BA पढ़ी है। हाँ तो तुम्हें A4 भी नहीं पता, बहन तो ये भी भूल गई, तुमने BA पढ़ी है, BCom पढ़ी है उल्टी, अच्छा ए भी होता है वो, तो फिर गुल्लू अभी तुम इससे पूछ रहे हो A4 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 इसके बहाने हम भी सीख जाएंगे गुल्लू, A4 बता दे, A4 तुमने फीस दी है इसको, अच्छा मम्मी पिटाई कैसे करती है ये बता दे, मम्मी पिटाई कैसे करती है, कैसे पिटाई करती है, ऐसे करती है ना, अभी डरती नहीं है तू मेरे से, बिल्कुल भी नहीं डरती, नहीं नहीं करते, वो मजा आ जाएगा मुंह पे, नहीं करते बोल दे नहीं, अरे हाँ मुझे एक काम हो रहा है, ऐसे कैसे गुल्लू और नानू की मस्ती स्टार्ट हो गई है गुल्लू तू सच्ची में नाराज हो गई थी, बता दे बोल नानू ऐसे में को सारे बोलते हैं, हाँ हे भगवान, कर रही है, हाँ कर रही है,
हम तो ऐसी सच में कहते थे तेरे को, तू रोज आ जाती हमारे घर। बोला मैंने आना बंद कर दिया, फिर भी आ गई तू। फ्रेंड्स हम चल दिए मार्केट, कतर मार्केट, और आज हमारे ड्राइवर फिर से हैं दीक्षा जी, और ये सबसे पहले मेरी बेटी की साइकिल जो अभी तक यहीं पे खड़ी रहती है। चलो जल्दी जल्दी, अरे यहाँ पे अपना ब्लॉग बना रही है। फ्रेंड्स इनकी ड्रेस ही ना पूरी हो रही है, इन क्या हो गया, वो गलत स्कूटी खड़ी है, खड़ी भी है ना। भाई मेरे घर में दो दो शादियां, दो दो, एक पीहर में, एक माइक है हस्बैंड के पीहर में, एक मेरे पीहर में। ये सही है, तो क्या साइड मिरर खोलियो जरा, चल निकल जाएगी। अब मैं क्या निकल जाएगी, अब तो मैंने निकाल ही ली, खोल चुकी हूँ मैं साड़ी गिफ्ट। अब मैंने निकाल ली तो कह रही निकल जाएगी। तो आप एक काम करो, सारे सब्सक्राइबर को ये बोल दो प्लीज चाची को एक एक साड़ी गिफ्ट करो, कम से कम 20-25 साड़ियाँ चाहिए मुझे, दो निकल जाएगी चाची। दो साड़ियों के लिए, दो शादियों के लिए 20-25 साड़ियाँ क्यों चाहिए आपको? तो मैं अपने पीहर जाके रहूंगी। तुम 10 दिन पहले जा रही हो अपने पीहर, जन्म जात यहाँ रह रही हूँ। एंड मैं एक बात मुझे बता, अपने इस फोन से दूसरे फोन पे ना वो चलाना है मेरे को, वाईफाई वो नेट चलाना है, कैसे चलाऊं? नहीं चलता, नहीं चलता, वो इतनी सी चीज नहीं आती सोने का बहन, बेसी की तो है, मतलब तेरे लिए यही तो पूछ रही हूँ। मुझे भी आता है सोने का, शर्म शेम ऑन यू। कैसे कैसे चलती है तुम ही बता दो, चला बताओ। पोर्टेबल को, उससे पोर्टेबल किससे, पोर्टेबल किससे? अरे मैंने जयपुर में करा नहीं था लिपू के फोन, तो बताओ आपने ये थोड़ी बोला, आपने कब किया? जैसे मेरे इस फोन में नेट चल रहा है, पोर्टेबल खोल उसका, किसका, इसका या उसका, उस वाले फोन, इसका पोर्टेबल खोलूं जिसमें चल रहा है? अच्छा, और दूसरे में कनेक्ट कर दे। दूसरे में क्या खोलना है? सेटिंग पे जा करके वाईफाई खोलना है, पासवर्ड या कोड कोई आएगा उस पे क्लिक कर दियो। सोनी का बेइज्जती, आज मेरी 20वीं बार कर रखा है, आज मेरी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती, और मेरे को मजा आया, इतनी ज्यादा जबरदस्त बेइज्जती। इसको इतनी बेसिक चीजें सिखा लो, इसको रील्स में 50 बार सिखाती हूँ कैसे बनती है, कैसे क्या। मैं जब जयपुर गई थी तब मैंने अपने फोन में निकू के नेट से लिया था वो चलाने के लिए अपना यूट्यूब। अरे मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि चलाती हूँ ना, ये चीजें। अरे मेरा वाईफाई चलता रहता है ना इसीलिए, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। तू किसी दिन भूल जा कि तेरे को पैसा है, सारा पैसा मेरे को दे दे बहन। मैंने अपने 2-3 महीना तेरे को वो बना रखा है, मेरे को कुछ महीना बना रखा, नहीं बना रखा। देख मैंने अपने पति को किसी में नहीं बना रखा क्योंकि मुझे भरोसा नहीं। मेरे को बना दे, तेरे पास मैं सारा तेरी बेटी को दे दूँ, पक्का बोल। फिर ठीक है, चल तेरे को बना दे। फ्रेंड्स देखो मैं अपनी सारी जायदाद में नॉमिनी जो है वो गुल्लू तो बन नहीं सकती, तो इसको बना रही हूँ। होनी भी तो चाहिए, क्या चाहिए, तो तुमने बेइज्जती मार दी। मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री है, ये तो बता पहले मुझे। नहीं मेरा सिर्फ एक अकाउंट है PNB का, उसके अंदर मैं। अरे कल तो भैया का चलाना है, भैया भावेश का कॉपीराइट का, कॉपीराइट का चलाना सुबह आया है, और भाई अभी उसको पता नहीं, शायद पता है या नहीं पता है। प्लीज हमारा चलान माफ करवा देना। अच्छा तुम लोग चलान गलत चलाते रहो, हैं लोग तुम्हारे चलान माफ कराते, चलान माफ कराते रहे। नहीं वो शायद ओवर स्पीड का में भी होगा, और वो कई बार गलती से भी दे देते हैं। मेरा भाई बहुत ही संस्कारी है, और मतलब बिल्कुल कर दिया क्या तू, संस्कारी है चलान में, क्या संस्कारी? अरे वो गलत चलाता नहीं है, कई बार गलती इंसान से ही होती है, वो लोग ऐसे भेज देते हैं। तो वैसे हम भाई का रिश्ता भी कर रहे हैं, कोई अच्छी लड़की हो तो प्लीज हमें नहीं कर रहे, पहले वेल सेटल तो हो जाएगा 2 साल में, तो 2 साल में जब होएगा तब करेंगे, तब हम रिश्ता भी कर देंगे। ये मुझे क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? कह रही है मेंटल जय राखी जी, जो खुद होता है चाची वो तो क्या, उसको सारे जने लगते हैं। मैनर्स देखो, मैं यही तो कह रही हूँ, ऐसे बोल रही है चाची। आजकल का जमाना जो है वो बहुत बेकार है। वैसे कहीं ये ना हो, वीडियो बनाने में मेहनत कर रही है, एडिट ही ना करे। सही कह रहे हो, एडिट की जिम्मेदारी तो इसी की है, कोई पता चले तो ब्लूपर्स में दिखेगा। ये ऐसी चीजें ना एडिट कर देती है, मैंने बहुत बार देखा है, कोई भी ऐसी चीज है कि टक सीधा कट। यही तो बात है, मैं इसी चीज में तो टेंशन फ्री रहती हूँ कि जितनी मर्जी वीडियो बनाओ। आंटी हमें देख देख कैसे जा रही थी, आंटी चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं कतरन मार्केट, और आज आप लोगों को दिखाएंगे कतरन मार्केट। आज हम दिखाएंगे आपको कतरन मार्केट, कतरन मार्केट कैसी है, कतरन मार्केट। फ्रेंड्स आपको देखनी है? नहीं देखनी, पर हम तो दिखा रहे हैं। बताइए आपको राखी जी की ड्रेस देखनी है? नहीं चाची, तो तुम तो उसी दिन दिखाओगी ना। मुझे अभी पता चला कि शादी के सारे रिचुअल मैं करूंगी,
और शी इज वेरी एक्साइटेड। अच्छा फ्रेंड्स आप ये बताओ आप में से किस किस के यहाँ फेरों के टाइम पे शिक्षा होती है? हमारे यहाँ होती है, होती है। और हमारे पे शिक्षा जो है वो छोटी बहन, मतलब ऐसे कुछ नहीं होता, वैसे छोटी पढ़ती है, बट यूजुअली छोटी पढ़ लेती है। पर आप मुझे बताओ छोटी क्यों पढ़ती है? मैं सोनी को ये चीज बोल रही हूँ कि छोटी को तो वैसे ही शिक्षा की जरूरत है, तो बड़ी को पढ़ना चाहिए। अरे बड़ी में तो लखन ही नहीं है हमारे घर की, छोटी के अंदर कैसे है? छोटी लिफाफा मिल लेने तो लिफाफा तो वही ले लेगी, लेकिन पढ़ तो वो लेगी कि हाँ ये चीजें होती है। तो फ्रेंड्स ये है कतरन मार्केट और यहाँ पे छोटे देख रही हो, और इसके पास छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आपको जो है यहाँ पे ए टू जेड सारे तरीके के कपड़े जो है मिल जाएंगे। जो आप 100 रुपए का देखते हो वहाँ पे आप 200 रुपए का, यहाँ पे 100 रुपए का मिलेगा, वहाँ पे 200 रुपए का मिलेगा किसी भी बुटीक में। हाँ 150 ही भैया, 150 150 150 रुपए मैडम जी 150 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो भैया। हमने सोची गैस के ऊपर ना मेहंदी में झुमकी पहनी। चाची एक बात बोलू, तुमने ले तो लिया है हाँ। लेकिन ना कुछ ज्यादा रिचुअल के हिसाब से हैवी नहीं हो गया? तेरे मुंह पे ज्यादा पड़ेगा, बोल मत। अब मैं ले आई हूँ तो मैं मना करे जा रही थी, तुमने ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, इतना इतना तुमने नोट लगा दिए। फिर वापस चलो। आप मुझे बताओ मुश्किल से हम ऊपर नीचे हैं, हम लोग 8-9 जने हैं, है ना, कहीं हम कहीं और कर रहे हैं, हम घर में कर रहे हैं, खाना भी हम बनाएंगे भाई, फिर क्या फायदा होगा? रेस्टोरेंट बुक कराओ। चाची तुमने तो फालतू में इतनी मेहनत करी है, ग्रीन लॉन्च बुक करा लो। मैं तो कह रही हूँ ग्रीन लॉन्च ही करा लेते हैं, ग्रीन लॉन्च वालों से हम ठेका ले लेते हैं, हर चीज हम ग्रीन लॉन्च बुक कराते हैं, ग्रीन लॉन्च वालों जल्दी से वहीं कर लेते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ ना, ग्रीन लॉन्च वालों से ठेका कर लेते हैं कि भाई हम सब कुछ यहीं पे करेंगे, तू बता तू क्या करेगा। अब भैया इतनी हैवी भी ड्रेसेस पहन रहे हैं तो क्या करें? सही बात है, भूलेंगे वो सस्पेंड तो क्या क्या होगा मम्मी ये ना पता नहीं किसके लिए? आज तुमने मेरी जैसी सेम जगह मैं सोनी का गए थे। दीक्षा किसके? ना कुछ चुप रहे, ये सारे चुप रहो। ये क्या डिकैथलॉन वाली जैकेट है? हाँ कोई सस्पेंस किसी का कुछ नहीं खुल रहा, सारे वाला सस्पेंस वो दीक्षा कौन से वाला जो हमें पता तुझे मुझे निक्को को। अच्छा वो तक तू मैगी खाएगी तब तक ये तेरे आस पास ही मंडराएगी। गुल्लू गुल्लू वहां से हट जा, मैगी नहीं खानी। नहीं गुल्लू वहां से हट जा, मैगी नहीं खानी। नकुल ये अपने बालों का क्या करवाएगा भाई? कुछ नहीं है ना, ऐसी है ढूंढ रहा है ये। कोई है बताओ चाचा, वो करवा के आऊंगा, इसको तो पता ही है पहले से मैं क्या बताऊं। और कंघी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसमें। अच्छा 2 महीने परमानेंट रहता है बिगर कंघी के हेयर स्टाइल, तो सही है फिर तो भाई, ये भी सही है। नकुल उसी के पास चला जाइयो, तेरे तो पूरे रिचुअल तेरी शादी का काम सारा हो जाएगा, अगले महीने इसका भी रिश्ता पक्का कर दे, इसकी भी शादी का काम उसी हेयर स्टाइल में। अरे कुछ आप ही गए तो 10 रुपए में कर देंगे आधे में। चलो सही है फिर तो, ये भी सही है, 20 रुपए में काम हो जाएगा हमारा। और गुल्लू आपके कटिंग करा दे, बच्चा फ्री है साथ में। ले आओ, बच्चा फ्री है 20 रुपए में, सही है भैया। गुल्लू लाया नीचे से ये कॉफी और ये सारी चीजें, बंसल जी नीचे के नीचे ही चले गए। और ये दूध, अच्छा पॉलिथिन में आया क्या? अरे पहाड़गंज से सामान, क्या हो गया? अगर तेरी बेटी ने पॉटी करी होगी सच में मैं साफ नहीं करूंगी। बहन क्या हो गया, तू उसकी मासी है? शुक्र नहीं कर रही, नहीं कर रखी नहीं, ये सुबह कर चुकी है ये। चलो ठीक है बंद करो। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर पे, मेरे घर पे आने के बाद इतने सारे कपड़े मैंने निकाल दिए, लेकिन मेरे आउटफिट जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो रहे हैं। मेहंदी हल्दी कॉकटेल किसी के लिए भी मेरे डिसाइड नहीं हुए हैं, तो मैं दीक्षा को पहन पहन के दिखा रही हूँ कि बहन बता दे कौन से अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि क्या है बाद में बातें यही सुनाएगी मुझे, बहन तूने ये क्यों पहन के आई है, बहन तू ये क्यों पहन के आई है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो है दीक्षा को पहन के दिखा रही हूँ कि बहन देख ले, ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये पहनूँ, बेकार लग रहा है तो मैं ये नहीं पहनूंगी। तो मैं तेरे को अपने दे रही हूँ, पर एक्चुअली क्या है मेरे को 2XL आता है, इसको XL आता है, तो फर्क तो है ही। तो अभी मुझे लंच डिनर भी बनाना है, और बंसल जी और नकुल नीचे से ही चले गए, कहाँ गए, हिचकी आ रही है मुझे, कोई याद कर रहा है मुझे, बहुत परेशान हूँ
मैं अपनी परेशानी किसके साथ शेयर करूं, किसके साथ करूं? इसकी सगी मासी को बुला जरा, जो ज्यादा सगी बनती है। और अभी बीमार पड़ गई तो फ्रेंड्स, मैंने बनाई है, क्या बनाई है मैंने, मैं तो भूल ही जाती हूँ, मैंने सब्जी क्या बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है स्पेशली दीक्षा के लिए और अपने लिए, क्योंकि बाकी सारे डिनर जो है वो बाहर से करके आए हैं। दीक्षा मैं और गुल्लू, दीक्षा मैं और गुल्लू हम तीन ही है जो गरीब से देख रहे हैं, तीन ही है। क्या हो गया, पट्टी नहीं, मेरा एप्पल कट्टा मैं तो इधर को रख, टूट गई इसके पापा, भाई साहब बहन तू गुल्लू को ले जा, गुल्लू को ले जा, चलो मेरे साथ तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारा मेरा एप्पल का लैपटॉप तोड़ देगी, लैपटॉप और वो जो कांच का रखा है वो तोड़ देगी, है और तुम्हारी टेबल को ऐसे मार मार के तोड़ देगी और रात को तुम्हारा जीना खराब कर देगी। तो अगर देख ले, अगर गुल्लू को इसके बदले लेके जाए तो ले जा, पॉटी करिए ना, करिए। चलो खाने का भी काम हमारा हो चुका है कंप्लीट, और ये हमारे फुलके सिक गए हैं और इसके अंदर सब्जी है, और अब हम बैठ के शांति से कच्ची प्याज के साथ खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा। गुल्लू और मेरा बिस्तर, गुल्लू और मैं अब यहाँ पे सोने वाले हैं, और फिलहाल गुल्लू जो है टीवी देख रही है, दो चूहे अब इसका बंद करते हैं और लाइट भी बंद करते हैं। यस, दिखेगा नहीं तुम्हें, नहीं क्यों, लाइट ऑन करो यार, नहीं करवा दो यार, अंदर सुना ले गुल्लू को, हम यहीं पे सोएंगे, किसने लगाई, चलो यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं और यहाँ पे बैठ के फिर चारों के चारों पत्ते खेल रहे हैं। इनको मैंने सैटरडे संडे कहा था आओ, लेकिन ये सैटरडे संडे के अलावा मंडे भी आए हैं खेलने पत्ते।